ऑरेंज ट्रेन को देख के यकीनन आपके माइंड में आ रहा होगा कि आज भी हम कहीं ना कहीं पे घूमने वाले हैं, आप लोगों को किसी न किसी अच्छी जगह का विजिट करवाने वाले हैं। जी तो जनाब, मैं आपको लेके आई हूँ सुजो वाटर पार्क। मैंने सोचा जितनी गर्मी है इसके लिहाज से सुजो वाटर पार्क गर्मी के मौसम में बहुत ही बेस्ट जगह है। चलिए जी चलते हैं। सुजो वाटर पार्क में एंटर होते ही उन्होंने कुछ ज़रूरी हिदायत लिखी हुई हैं, आप लोगों को भी पढ़ना लाजमी है। तो काइंडली आप भी जब सुजो वाटर पार्क का विजिट को आएँ तो आप लोग भी इनको ज़रूर पढ़ें। तो ये इसका टिकट एरिया है। टिकट के हवाले से मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसकी टिकट की जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ये वीक में चेंज होती रहती है, मतलब कि सैटरडे और संडे को इनकी टिकट्स की जो प्राइस है वो हाई होती है, 700 to 800 होती है, और इसके अलावा मंडे टू थर्सडे तक जो है वो 600-500 इस तरह होती है। तो यहाँ पे हम लोग इंटर हो चुके हैं सुजो वाटर पार्क के अंदर। ये जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेल साइड एरिया है, आप लोगों को पता चल रहा होगा देखने के लिए यहाँ पे जो है वो ज़्यादा मेल्स की तादाद है, ठीक है। ये सारी का सारा एरिया मेल साइड का है और फीमेल्स यानी लेडीज साइड का जो है वो सेपरेट बनाया गया है। ये आप लोगों को स्लाइड नज़र आ रही होगी, ये सारे का सारा एरिया जो है ये मेल साइड का है। तो वो आपको सामने लिखा नज़र आ रहा होगा लेडीज़ वाटर पार्क, लेडीज़ में जो है वो यहाँ से आगे जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि फीमेल्स नहीं जा सकती तो फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को मैं मेल साइड जो है वो दिखा सकूँ। जी तो मैं एंट्री हो चुकी हूँ लेडीज़ वाटर पार्क में। ये जो है बिल्कुल स्टार्ट में झूले वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो है वो झूले ले रहे हैं, और इस साइड पे जो है ये चेंजिंग रूम है। यहाँ पे आप लोग जो है वो अपने ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह जो चीज़ भी आप लोगों ने चेंज करनी है वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है उनके खेलने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सुजो वाटर पार्क कनाल रोड पर जल्लो पार्क के नज़दीक बनाया गया है। ये सामने जो आप लोगों को शॉप टाइप नज़र आ रहा है ना, ये लॉकर एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने हैंड बैग्स, मोबाइल फ़ोन्स और इसके अलावा जो भी चीज़ें आप लोग रखवाना चाहिए यहाँ पे रखवा सकते हैं, और यहाँ से आप लोग जो है वो रेंट पे ट्राउजर शर्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब कि 50 रुपीज़ पर हिसाब से जो है वो आप लोग ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह ले सकती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये है लेडीज साइड का सुजो वाटर पार्क। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि वहाँ पे तो शो करवाया हुआ था कि मोबाइल फ़ोन जो है वो वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, आप लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हम लोगों ने भी परमिशन ली थी और परमिशन लेने के बाद ही जो है वो वीडियो बनाना शुरू किया था। अगर आप विदाउट परमिशन शुरू करेंगे तो आप लोगों को फ़ाइन भी होगा, आपका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया जाएगा और आपके ख़िलाफ़ प्रॉपर जो है वो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो भाई रूल्स को देख के जो है वो आप लोग यहाँ पे इनको फॉलो करने के बाद आप वीडियोस वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ये फीमेल साइड के वाटर पार्क को ना तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये जो स्लाइड वाला एरिया ना, ये इसकी गहराई जो है वो ज़्यादा है, और ये जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ये वाले एरिया की गहराई कम है। और स्लाइड्स के साथ एक और एरिया है, ठीक है, वहाँ पर वो वाला जो पार्ट है ना वो उससे भी ज़्यादा गहरा है। वहाँ पे जो है वो बच्चों का नहाना अलाउ नहीं है, वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे पानी भी ज़्यादा है, उसकी गहराई भी ज़्यादा है। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे फैमिलीज आई हुई थी, औरतें बच्चे। ये सारा एरिया जो है यहाँ पे जो है वो बच्चे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाई गई हैं। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो है म्यूज़िक भी चलाया जाता है, और म्यूज़िक के साथ जो है वो एंजॉयमेंट का तो मज़ा ही अलग हो जाता है।
गर्मियों के मौसम में सुजो वाटर पार्क एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस मानी जाती है। जी तो लेडीज़ वाटर पार्क को दिखाने के बाद मैं जा रही हूँ वापस, और ये जो फिर मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको मेल साइड की जो है वो वाटर पार्क दिखा सकूँ। हाँ जी, तो फीमेल साइड की तरह मेल साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। उम्मीद करती हूँ सुजो वाटर पार्क में बनाई गई मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और यकीनन आप लोग भी यहाँ का विज़िट करने और यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए ज़रूर आएंगे। दोस्तों, ये इस पार्क का एग्जिट एरिया है, यहाँ से आप लोग जो है बाहर जा सकते हैं। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सुजो वाटर पार्क कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।